बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज बोर्ड मुख्यालय से रिजल्ट जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देखे जा सकते हैं और आपको हम वो वेबसाइट भी बता देते हैं, uprizults.nic.in पर ये रिजल्ट 1:30 बजे से देखे जा सकते हैं और आज दोपहर 1:30 बजे ये रिजल्ट आएंगे। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट डे है, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट 1:30 बजे जारी होगा। करीब 58 लाख स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स का इंतजार है। हाई स्कूल के करीब 31 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा। वहीं इंटरमीडिएट के लगभग 27 लाख जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी उनके परिणाम आएंगे। रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाएगा और uprizults.nic.in पर रिजल्ट देखे जा सकते हैं। एबीपी गंगा पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। एबीपी गंगा पर यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखिए। 10वीं के नतीजे के लिए up10.abplive.com पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं 10वीं के, और 12वीं का नतीजा अगर आपको देखना है तो up12.abplive.com पर जाकर आप लॉगिन करिए और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले वेबसाइट को आप ओपन कीजिए। होम पेज पर यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट 2023 या फिर यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट 2023 लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन पेज खुल जाएगा, यहां पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करिए। छात्र रिजल्ट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें। तो ये पूरी प्रक्रिया है। यूपी बोर्ड एग्जाम में कौन पास कौन फेल ये जानने के लिए आप एबीपी गंगा पर बड़ी कवरेज देखिए। इसके साथ ही साथ यूपी जो बोर्ड के नतीजे आ रहे हैं एबीपी लाइव पर भी एबीपी गंगा पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं का नतीजा अगर आपको देखना है up10.abplive.com आप टाइप करिए, यहां पर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और up12.abplive.in डालेंगे तो आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट देख सकते हैं। तो सभी जो परीक्षार्थी हैं उनको एबीपी गंगा की तरफ से भी रिजल्ट की शुभकामनाएं। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर कमेटी की बैठक है। समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी की बैठक है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बैठक होगी। 12 बजे उत्तराखंड सदन में महत्वपूर्ण बैठक है और 27 मई तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर कमेटी की बैठक है। समान नागरिक संहिता को लेकर बैठक बुलाई गई है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बैठक होगी और 12 बजे उत्तराखंड सदन में महत्वपूर्ण बैठक होगी। 27 मई तक कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है। समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी की बैठक है और रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। 12 बजे उत्तराखंड सदन में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 27 मई तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए अध्यक्ष, अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे ये बैठक दिल्ली के उत्तराखंड सदन में होगी, जहां पे अगर बात करें तो कमेटी की जो अध्यक्षता है रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में तमाम सारे जो सदस्य हैं वो बैठक में शामिल होंगे। और जो अब तक बातचीत हुई तमाम सारे वहां पे उत्तराखंड के अंदर वर्गों से और तमाम सारे लोगों से, उन तमाम सारे लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट यहाँ पे रखी जाएगी। और चूंकि अगर बात करें तो कमेटी अब रिपोर्ट बनाने की ओर आगे अग्रसर होने जा रही है, क्योंकि 27 मई तक कमेटी का कार्यकाल है और 27 मई तक रिपोर्ट कमेटी को अपनी सौंपनी है उत्तराखंड सरकार को। जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो, उसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। वही कमेटी की बैठक आज उत्तराखंड सदन में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।